भाभी इस मार्केट में क्यों आई है? ये अच्छा नहीं है, यहाँ फल और सब्जियाँ ताजा नहीं मिलती। अपने घर के बाजू में जो दुकान है ना, वहाँ अच्छा मिलता है। ये ले रख। दीदी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है आपने, आगे मेरे बहुत काम आएगी। अच्छा तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? कौन सी ट्रेनिंग? अच्छा ट्रेनिंग बताना। मैं क्या बताऊँ मेरी ट्रेनिंग के बारे में? कौन सी ट्रेनिंग? हाँ अच्छा वो ट्रेनिंग, अरे वो तो एकदम मस्त चल रही है भाभी। हमारा दोस्त तो बिल्कुल सितारों की तरह बैच में चमक रहा है, और सीसी प्लस और सैप तो इसके मुंह जबानी याद है, और जावा तो इसके बचपन के दोस्त बन गए हैं। अब ये इतना टैलेंटेड है ना कि वो लोग भी कह रहे हैं कि इसे ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है, क्योंकि सिखाने लायक कुछ बचा ही नहीं है, तो बस जितनी जल्दी हो सके जॉब ज्वाइन करना। भाभी तुम्हारे मैनेजर की उम्र बहुत लंबी है। नहीं नहीं उनकी उम्र लंबी हो गई तो मुझे बहुत परेशानी होगी। किशोर सर, किशोर सर, अरे ये घोंचू अब नहीं बचेगा। मैम भाभी ऐसी जगह पे कोई किसी से मिलता है क्या? अच्छा नहीं लगेगा, चलिए चलते हैं। चल, बात हुई, जो मैनेजर तुम्हें ट्रेन कर रहे हैं उन्हें विश भी नहीं करोगे? हाँ ठीक है, मैं जाकर विश करके आता हूँ। ये सही कह रहा है भाभी। अरे सुन बगल में चाय अच्छी मिलती है, पिला कर ला। हेलो सर, मैं आपसे कहना चाहता था कि बैंगन खरीद लीजिए, बहुत अच्छे हैं। मुझे पसंद नहीं है। मैम अच्छा हुआ आप यही मिल गई, आपको पता भी है कि इसने क्या किया है? हाँ पता है। पता है? दर्शन ने बता दिया है मुझे। दर्शन ने बता दिया? क्या बताया तुमने दर्शन? इसने बताया कि आप भाभी से बात करना चाहते। लेकिन इसे कैसे पता कि मुझे क्या बताना है? सुनिए सर, आप उसी बारे में बात करना चाहते थे ना जो भाभी को पता है। अबे घोंचू पहले ये बता कि तू है कौन? मेरा दोस्त है। बात आप बताए ये बताए क्या फर्क पड़ता है, भावना पहुँचनी चाहिए। तो मैडम आपको सारा मैटर पता है? हाँ पता है। हाँ इन्हें पता है। ओके बच गए यार, तो चलिए भाभी चलते हैं। मैम पूरा मैटर जानने के बाद भी आपको कुछ फील नहीं हुआ? मैं सच में बहुत खुश हूँ। ये सब जानकर ये इतनी खुश क्यों है? मुझे भी जानकर बहुत खुशी हुई। पापा को भी ये बात जानकर बहुत खुशी होगी। ये ओवर एक्टिंग करने वाली कौन है? इसकी मंगेतर। तुम मंगेतर हो? तब तो तुम्हें बुरा लगना चाहिए, तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। अरे मैम देखिए एक्चुअली बात ये है कि ये मुन्ना आज यहाँ तक पहुँच पाया है उसकी वजह आप। अरे आप मुझे जिम्मेदार बता रही हैं? ये सही नहीं है, आखिर मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ? असली वजह तो आप है मैडम। देखा कितने महान है भाभी, आप इन्हें क्रेडिट दे रही हैं और ये वही क्रेडिट आप ही को लौटा रहे हैं। ये क्रेडिट है? क्रेडिट है ये? आपको हाइपरटेंशन है क्या? ये तो बचपन से ही ऐसे। हेलो सर, बचपन से ही ऐसे। सर कहा तो ठीक है। ओके सर चलते हैं, फिर मिलेंगे। मेरी तो कुछ समझ भी नहीं आ रही। ए डोंट टच, नो। हां दर्शन भिंडी लेकर आ, मैं आगे चलता हूँ। अब भाभी चलिए ऑटो पकड़ते हैं। अरे दर्शन उन्हें सच में मैटर पता है क्या? उन्हें तो सब कुछ अच्छे से पता है, लेकिन लगता है आपको पता करा ना अभी बाकी है। किस बारे में? वो शिवा भाई को जानते हो? उस गुंडे शिवा से डरने के दिन तो अब गए। सुना है पिट गया है किसी से, किसी ने पीटा है। इसमें और क्या, सच में? हमें पोल्यूशन कंट्रोल के रूल सख्ती से फॉलो करने होंगे। मैडम की मीटिंग बस आज ही है या कल भी होने वाली है? नहीं आज ही आखिरी मीटिंग है, उसके बाद वहीं पे आरटीओ ऑफिस। अच्छा अंकल थैंक यू। हेलो किसी शिवा के गुंडे यहाँ आए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें कॉल करूं। वैसे इसका चाकू तो बड़ा तेज लग रहा है, पूछो कहाँ से खरीदा? हम भी एक ले आएंगे, सब्जियां आसानी से कटेंगे। चलो रे। क्या हुआ, होश उड़ गए? डोंट वरी जीतूंगा मैं ही, मेरा टारगेट तो तुम्हारी भाभी है। ये सब तो तेरा ध्यान भटकाने के लिए किया था। अब वहां से अपनी भाभी के पास पहुंचने में तुझे कम से कम 20 मिनट लगेंगे और मुझे बस 5 मिनट, एंड आई एम ऑलरेडी ऑन माय वे। कैसा है तू, अपनी भाभी माँ को अकेला छोड़कर चला गया? Thank you.
सर आपको यहाँ से निकलना चाहिए, हमें पता चला है कि आप पर अटैक होगा। अटैक? दिमाग खराब है क्या? कौन करेगा मुझ पर अटैक? कॉपरेट कीजिए सर, अगर आपको कुछ हुआ तो पूरे शहर में हंगामा हो जाएगा। प्लीज, आपकी प्रोटेक्शन हमारी ड्यूटी है। किसी ने तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन? सब मोबाइल यूनिट्स अलर्ट हो जाइए, खबर मिली है कि शिवा भाई पर कोई हमला करने वाला है। उनकी लोकेशन है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफिस। मैं रिपीट करता हूँ, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफिस। उस एरिया में जितने भी यूनिट्स हैं, अप्रोच इमीडिएटली। तब भाभी से 5 मिनट की दूरी पर थे, अब उनसे 5 सेकंड की दूरी पर हो। दम है तो आगे बढ़ो। सर प्लीज कार में बैठ जाइए। मुन्ना तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी वो मैं ऑफिस नहीं गए तुम? उन्होंने जो काम दिया था आधे घंटे में ही हो गया, तो सोचा यहाँ चला आता हूँ। तुम हो ही इतने काबिल, दिल लगा के करो तो कुछ भी कर लोगे। मुन्ना मैं यहाँ हूँ ये तुम्हें कैसे पता चला? वो मैंने महेश अंकल को फोन किया था, उन्होंने कहा आप शाम को मंदिर जाने वाली हैं, तो सोचा आपके साथ चलूं। तो चले चले। दर्शन कहाँ है? काउंटर पर है। ठीक है विजय, तू भाभी को लेकर अंदर जा। भाभी मैं प्रसाद खरीद कर आता हूँ। ए, वो देख पल्लवी। पल्लवी तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया, पहली मुलाकात पे तुम्हें प्रपोज कर दिया, तुम्हारे घर आके रहने लगी, इसलिए तुम्हें मेरी कोई कदर नहीं है। पल्लवी ऐसे बात वो नहीं मेरी है। जान ले सकते थे फिर भी मैं डरी नहीं, और उस वक्त तुमने मेरी कोई परवाह नहीं की, मुझे वहां अकेला छोड़ दिया। उस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी, पर जब तुम वहां से गए मेरा डर और बढ़ गया। पल्लवी मेरा प्यार तो लव एट फर्स्ट साइड था, लेकिन अब पता चल गया कि वो सिर्फ वन साइडेड था। अरे रुको मेरी बात तो सुनो पल्लवी। उसे मात देना इन प्यादों की तरह आसान नहीं है भाई। अरे याकूब भाई वो बात नहीं है, बहुत अर्जेंट है, जल्दी करो। चलो। अरे बाइक बनने में अभी 2 दिन और लगेंगे। भाभी को शक हो जाए इससे पहले बाइक घर पर होनी चाहिए। हाँ सुनो हाँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरा नाम नारायण है, मैं श्रीनिवास का दोस्त हूँ। श्रीनिवास ने शिवा ट्रेवल्स के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उस पर केस करने की कोशिश की थी, ये जानकर शिवा ने उसकी हत्या कर दी और लाश को गायब कर दिया। सब जानते हैं लेकिन आवाज उठाने से डरते हैं। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? तुम पहले इंसान हो जिसने उसके खिलाफ आवाज उठाई है। मुझे भरोसा है कि श्रीनिवास ने वो सबूत कहीं ना कहीं हिफाजत से रखे हैं, या तो उसके घर पर है या फिर उसके फैक्ट्री में हो सकता है। अगर सबूत मिल जाए तो शिवा को कोई नहीं बचा सकता है।